नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। बॉलीवुड के निर्देशक अनुराग कश्यप, जो अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज चैनल के दफ्तर में चप्पल अवार्ड लेकर पहुंचे थे, अब उन्हीं के मुंह पर मी टू की चप्पल पड़ गई है। साउथ के एक एक्ट्रेस पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर अनुराग कश्यप बुरी तरह रगड़े जा रहे हैं। कल तक फेमिनिज्म के सपोर्ट में रोजेज आर रेड, वॉयलेट्स आर ब्लू, लेट्स स्मैश पेट्रियार्की, मी एंड यू का झंडा उठाकर चल रहे अनुराग कश्यप जब खुद महिला यौन शोषण के मामले में घिरे तो उनके सारे फेमिनिज्म की हवा निकल गई और उनके गैंग्स ऑफ हिपोक्रेट्स के सारे किरदार अपने महान डायरेक्टर को बचाने के लिए कूद पड़े, जिनमें फिल्मी सितारों से लेकर वो पत्रकार भी शामिल हैं, जिनका फेमिनिज्म भी उनकी सेकुलरिज्म की तरह सिलेक्टिव होता है। इनमें तापसी पन्नू, स्वरा भास्कर, सोनम कपूर टाइप्स वो एक्ट्रेसेस भी हैं जिनके आईक्यू का लेवल कई बार लोग देख चुके हैं। ये वही गैंग्स ऑफ हिपोक्रेट्स हैं जिसे रिया के खिलाफ बोलने वालों में पैट्रियार्की नजर आती थी, यानी पितृसत्तात्मकता नजर आती थी। लेकिन जब पायल घोष अनुराग कश्यप पर आरोप लगाती हैं तो वो मौका परस्त लगती हैं। जब रिया चक्रवर्ती पर सवाल उठाए जा रहे थे तो ये गैंग्स ऑफ हिपोक्रेट्स कानून का हवाला दे रहा था, उसके खिलाफ बोलने वालों को विच हंट और मीडिया ट्रायल बता रहा था। लेकिन जब पायल घोष ने अनुराग कश्यप की उन अश्लील हरकतों को बताया जो उसके साथ हुई, तो कानूनी जांच से पहले ही उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाने लगते हैं। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ ढेरों सबूत मिलने और उसे गिरफ्तार किए जाने के बावजूद अनुराग कश्यप और उसके गैंग्स ऑफ हिपोक्रेट्स को वो बेचारी लगती है। लेकिन पायल घोष, जिसने हिम्मत बटोरकर सोशल मीडिया पर आकर अनुराग कश्यप पर आरोप लगाए, तो वो राजनीतिक षड्यंत्र लगने लगता है। पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर और शर्मनाक है। आइए पहले ये देखते हैं कि पायल घोष ने क्या कहा है। उनके ऑफिस में जाके मिली मेरे मैनेजर के साथ, फिर उसके बाद मैं उनके घर पे जाके मिली और सेकेंड टाइम, फर्स्ट डे जब मैं उनके घर पे जाके मिली, ही वॉज वेरी नाइस टू मी, मतलब वेरी नाइस बोले तो वेरी नाइस, वेरी स्वीट, मुझे बहुत अच्छा लगा, आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड। लेकिन बस सेकेंड डे वापस उन्होंने जब बुलाया तब उनके घर में गई तो चीज़ें कुछ अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ, तो जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। उन्होंने मुझे अनकम्फर्टेबल फील करवाया और थोड़ा सा मुझे बुरा लगा, जो भी हुआ वैसे होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ना तो मैं उनके साथ काम कर रही थी, ना तो मेरा उनके साथ कोई जान पहचान था, ना तो हम दोस्त थे, हम जस्ट मिले थे। तो कोई तुम्हारे पास काम मांगने आए हैं या काम के लिए मिलने आए हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई भी कुछ भी चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड है। तो वो उन्होंने ये नहीं सोचा और उन्होंने मुझे अनकम्फर्टेबल फील करवाया, जो चीज़ मुझे बहुत अभी तक हॉन्ट करता है। तो मैंने आज, मैं जब कल इंटरव्यू दिया ना, तो उसके बाद ही वोंट बिलीव, मैं इतना अच्छा महसूस किया कि मुझे लगा कि मैं अंदर कुछ छुपा के रखी थी, मैंने निकाल दिया, आगे जो होगा देख लेंगे। पायल घोष के इन गंभीर आरोपों पर अनुराग कश्यप ने क्या जवाब दिया, वो बताने से पहले जान लेते हैं कि पायल घोष हैं कौन। पायल 2017 में पटेल की पंजाबी शादी फिल्म में अभिनेता परेश रावल की बेटी बनी थी। पायल बॉलीवुड की कोई लोकप्रिय चेहरा नहीं है, इन्होंने दक्षिण भारत की कुछ फिल्मों में भी काम किया है, इनका ज़्यादातर काम तेलुगु फिल्मों में है। पायल लोकप्रिय टीवी शो साथ निभाना साथिया 2 में भी दिखाई दी थी। अब पायल के आरोपों पर अनुराग कश्यप ने ट्विटर पर लंबा चौड़ा जवाब दिया है। अनुराग कश्यप ने लिखा, क्या बात है, इतना समय ले लिया मुझे चुप करवाने की कोशिश में, चलो कोई नहीं, मुझे चुप कराते कराते इतना झूठ बोल गए कि औरत होते हुए दूसरी औरतों को भी संग घसीट लिया, थोड़ी तो मर्यादा रखिए मैडम। बस यही कहूँगा कि जो भी आरोप हैं आपके सब बेबुनियाद हैं, बाकी मुझ पे आरोप लगाते लगाते मेरे कलाकारों और बच्चन परिवार को संग में घसीटना तो मतलब नहले पे चौका भी नहीं मार पाए। मैडम, 2 शादियां की हैं, अगर वो जुर्म है तो मंजूर है और बहुत प्रेम किया है वो भी कबूलता हूँ, चाहे मेरी पहली पत्नी हो या दूसरी पत्नी हो या कोई भी प्रेमिका या वो बहुत सारी अभिनेत्रियां जिनके साथ मैंने काम किया है या वो पूरी लड़कियों और औरतों की टीम जो हमेशा मेरे साथ काम करती आई हैं या वो सारी औरतें जिनसे मैं मिला बस अकेले में या जनता के बीच में, मैं इस तरह का व्यवहार ना तो कभी करता हूँ और ना तो कभी किसी कीमत पे बर्दाश्त करता हूँ। बाकी जो भी होता है देखते हैं, आपके वीडियो में ही दिख जाता है कितना सच है कितना नहीं, बाकी आपको बस दुआ और प्यार
आपकी अंग्रेजी का जवाब हिंदी में देने के लिए माफी। अब आरोप अनुराग कश्यप पर लगे हैं तो उनका सफाई देने का हक तो बनता है, लेकिन तापसी पन्नू ने तो अनुराग कश्यप पर लगे इस गंभीर आरोप का सच सामने आए बिना ही उन्हें क्लीन चिट दे दी है। यहाँ तक कि उन्होंने ट्वीट किया, मेरे उस दोस्त के लिए जो सबसे बड़ा फेमिनिस्ट है उन सब लोगों के बीच जिन्हें मैं जानती हूँ, जल्दी ही मिलते हैं उस पीस ऑफ आर्ट के सेट पर जो दिखाता है कि आपकी बनाई दुनिया में कितनी महिलाएं कितनी पावरफुल और सिग्निफिकेंट हैं। ये वही तापसी पन्नू हैं जिन्होंने 2018 में मीटू मूवमेंट के पक्ष में ट्वीट करते हुए लिखा था कि मुझे नहीं लगता कि #MeToo तब तक निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच सकता जब तक हम आरोपियों को सेलिब्रेट करना बंद नहीं कर देते। शर्मिंदगी तब और भी बढ़ जाती है जब महिलाएं खुद इस आंदोलन से नहीं जुड़ती और इसके खिलाफ हो जाती हैं। #NotDone मतलब हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तापसी ने ये सीमा तोड़ दी है, इसलिए अपने 2018 के ट्वीट और आज अनुराग कश्यप के लिए मीटू के खिलाफ खड़े होने वाले ट्वीट के चलते वो ट्रोल भी हो रही हैं। अच्छा, इस गैंग्स ऑफ हिपोक्रेट्स के कुछ खास लक्षण होते हैं। पहला, ये हर उस मुद्दे के खिलाफ खड़े होते हैं जिसके पक्ष में देश की अधिकतर जनता खड़ी दिखाई देती है। उदाहरण के तौर पर सुशांत सिंह राजपूत केस में जब अधिकतर लोग रिया चक्रवर्ती के खिलाफ हैं तो ये पक्ष में खड़े हो गए। दूसरा, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर जिसे जो चाहे बोल सकते हैं, लेकिन अगर कोई इनके खिलाफ बोले तो वो बीजेपी की साजिश है या फिर IT सेल का है। जैसे खुद अनुराग कश्यप ने CAA के प्रदर्शन के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह के लिए अपमानजनक शब्द कहे थे, लेकिन जब इनके वॉल पर आकर लोग इन्हें उसी भाषा में जवाब देते हैं तो ये ट्विटर छोड़कर भाग जाते हैं और इनके लिए देश में बोलने की आज़ादी पर खतरा पैदा हो जाता है। तीसरा, ये देश के किसी भी सत्ताधारी नेता पत्रकार सरकारी योजना पर सवाल उठाएं तो बात देश हित की होती है, लेकिन अगर इनके या इनके एजेंडे के खिलाफ कोई कुछ बोले तो बीजेपी का षड्यंत्र बताकर विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। कंगना से ट्विटर पर चल रही इनकी बहस इसका सबसे सटीक उदाहरण है। कंगना का राष्ट्रवाद इन्हें सूट नहीं करता, इसलिए ये अब उसे कभी चीन पर चढ़ाई करने का ताना मारते हैं तो कभी कहते हैं कि कंगना की बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती। अनुराग जी, आपकी बातें भी गालियों से भरी बातें कईयों को अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी झेली जाती हैं। देश आप जैसों को भी तो झेल ही रहा है ना। अपने ऊपर यौन शोषण के घिनौने आरोप लगने के बाद अनुराग कश्यप ने एक बार फिर वही विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। उन्होंने ट्वीट किया, अभी तो बहुत आक्रमण होने वाले हैं, ये बस शुरुआत है, बहुत फ़ोन आ चुके हैं कि नहीं मत बोल और चुप हो जा। ये भी पता है कि पता नहीं कहां कहां से तीर छोड़े जाने वाले हैं, इंतजार है। मतलब पायल घोष ने इन पर इल्ज़ाम लगाए तो इन्हें लगा कि ये साजिश है, क्योंकि पायल घोष के पक्ष में पूरे बॉलीवुड से सिर्फ एक आवाज़ उठी है और वो है कंगना रनावत की। अनुराग कश्यप के गैंग्स ऑफ हिपोक्रेट्स को लगता है कि कंगना मतलब बीजेपी, इसीलिए ये शायद इसे बीजेपी की साजिश बताना चाह रहे हैं। इनके ट्विटर हैंडल पर इनके चमचे लिख रहे हैं कि सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने पर अनुराग को फंसाया गया। अब फंसाने की राजनीति वही समझ सकता है जो ये करना भी जानता हो। अनुराग कश्यप को लगता है कि उन पर हमला करने वाले सभी बीजेपी के होते हैं, तो वो भी बता दें कि आप सरकार पर हमला करते हो तो आप कांग्रेस के हो या कम्युनिस्टों के हो। यहाँ ये एकदम लिबरल सेक्युलर दूध से धुले देश के कथित जागरूक नागरिक बन जाते हैं, लेकिन इनके चमचे पत्रकारों ने तो पायल घोष को फर्जी और झूठी बताने की मुहिम शुरू कर दी है। मतलब कानून को अपना काम करने दो, डोंट बी जजमेंटल, महिला का सम्मान, विच हंट, मीडिया ट्रायल टाइप्स बातें तभी करते हैं ये लोग जब रिया चक्रवर्ती जैसा सुटेबल मामला इनके सामने आता है। खुद पर आए तो आरोप लगाने वाली महिला पर ही सवाल उठा दो। पायल घोष के अनुराग कश्यप पर लगाए गए इन आरोपों पर NCW यानी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने ट्वीट को रीट्वीट करते हुए इस पूरे मामले को लेकर जानकारी मांगी है। रेखा शर्मा ने अपने ट्वीट में लिखा है, आप मुझे ncw@nic.in और @ncw_india पर विस्तार से अपना पक्ष भेज सकती हैं, पूरे मामले को देखा जाएगा। पायल घोष सच बोल रही है या झूठ ये तो जांच के बाद सामने आ ही जाएगा, लेकिन जिस तरह से फेमिनिज्म का झंडा लेकर चलने वाला अनुराग कश्यप जैसे लोगों का फर्जी झुंड पायल घोष पर पलटवार कर रहा है, क्या उससे मीटू के तहत आवाज़ उठाने वाली महिलाओं के हौसले नहीं टूटेंगे? क्या इससे जो सच में इस तरह के अपराध करते हैं उनके इरादों को बल नहीं मिलेगा?
अगर जांच होने से पहले ही किसी महिला के लगाए इल्जामों पर उसे ही कटघरे में खड़ा किया जाएगा तो क्या कभी कोई महिला आगे आकर इंसाफ मांगने की हिम्मत जुटा पाएगी? पायल घोष ने बताया है कि वो कई दिनों से इस बारे में बोलना चाहती थी, लेकिन पिछले दिनों ये जिस तरह से फर्जी फेमिनिज्म की बातें अनुराग कश्यप कर रहे थे वो देखकर इन्हें लगा कि इनकी असलियत लोगों के सामने आनी चाहिए। पायल घोष ने यह भी कहा कि मेरा परिवार और दोस्त नहीं चाहते कि मैं अनुराग कश्यप के खिलाफ बोलूं, क्योंकि इससे मेरा करियर और जान दोनों को खतरा हो सकता है, लेकिन मुझे लगा कि मैं अभी नहीं बोलूंगी तो और कई लड़कियों की जिंदगियां खराब हो सकती हैं। वैसे भी अनुराग कश्यप मीटू के तहत फंसे आरोपियों का समर्थन पहले भी कर चुके हैं। फैंटम फिल्म्स के अपने पार्टनर विकास बहल पर कंपनी की एक महिला कर्मचारी के यौन शोषण के आरोपों पर ध्यान न देने के लिए कश्यप विवादों में घिरे थे। उन्होंने बाद में खुद माना कि उस समय कंपनी के लीगल एस्पेक्ट्स को देखते हुए वो उस लड़की का साथ नहीं दे पाए। तहलका के फाउंडर तरुण तेजपाल पर जब एक लड़की ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे तब अनुराग कश्यप तरुण तेजपाल के पक्ष में कूद पड़े थे। अब जब अनुराग कश्यप खुद इस मामले में फंसे हैं और महिला आयोग भी इसका संज्ञान ले रही है, और अगर अनुराग कश्यप बेकसूर हैं तो अनुराग कश्यप को सच सामने आने का इंतजार करना चाहिए, ना कि अपने गैंग्स ऑफ हिपोक्रेट से बयानबाजी और ट्वीट्स करवाकर खुद को एक्सपोज करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।